students are in front of you. Head of your unit on top of your sixth lesson, that is introduction to paint. Okay, so we are going to discuss about that. What is paint? Okay, means MS Paint, Microsoft Paint. So today's topics are starting paint, how we just simply start paint software in our desktop. After that, part of the paint windows, how it look like set up window of MS Paint. Okay, so इस वीडियो में हम लोग पेंट के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, कि पेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें ड्राइंग कर सकते हैं और पेंट एप्लीकेशन कैसे खोला जाता है उसके स्टेप्स में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो आपका जो पेंट है उसकी जो विंडो, जो पहली विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगी वो कैसी दिखती है और उसमें कौन कौन से टूल्स आपको मिलेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जाइए, नीचे जाकर के देखिए उसमें सब्सक्राइब बटन में प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड जस्ट बिसाइड इट प्रेस द बेल आइकन आल्सो एंड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द लिस्ट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो वेरी फास्टली, क्योंकि आपको मेरे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो हियर कम्स विद द फर्स्ट लाइन, दैट इज चिल्ड्रन वी नो दैट यू लुक ड्राइंग सॉरी यू लाइक ड्राइंग एज इट ब्रिंग आउट योर क्रिएटिव आइडियाज, यानी कि हमें पता है कि आपको ड्राइंग करना कितना पसंद है। तो ड्राइंग के जरिए हम अपने अंदर के विचारों को ही व्यक्त करते हैं कि आज हमारा मूड कैसा है, अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो ड्राइंग बहुत सुंदर बनेगी, प्लस बनाने वाले के हाथ जो होते हैं, हैंड्स जो होते हैं वो भी बहुत फिक्स होते हैं, तभी तो ड्राइंग अच्छी बनती है। तो लेट अस अच्छा ड्राइंग हम लोग सिर्फ कॉपी या नोटबुक्स में ही कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली जो आर्टी कॉपी आती है और आर्ट बुक आती है, बुक में हम लोग उसे कलर फिल कर पाते हैं, उसमें प्री डिज़ाइन डालते हैं आपके पिक्चर्स, और जो आपकी कॉपी होती है उसमें आप अपना ड्राइंग खुद अपने हाथ से बनाते हैं और उसमें कलर भी करते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप होता है उसमें आप दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ड्राइंग बना भी सकते हैं और उसमें उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट अस हैव सम फन विद ड्राइंग एंड कलरिंग ऑन द कंप्यूटर। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर पर ड्राइंग करते हैं और सीखते हैं किस तरह से हम लोग कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं और उनको कलर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको किसी कार्टून की पिक्चर बनानी है और आप उस पर कलर भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसको मैं आपको बताऊँगा। द पेंट प्रोग्राम हैज मेनी टूल्स दैट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर, यानी जो आपका पेंट प्रोग्राम होता है वह आपके कई सारे तरीकों से आपको मदद करता है कि आप किस तरह से आप पिक्चर बनाना चाहते हैं, प्लस आपको कौन कौन से कलर चाहिए वो सारे ही कलर वो आपको प्रोवाइड कराता है वहाँ उसके टूल बॉक्स में, ठीक है। तो अब कैसे, सबसे पहला स्टार्टिंग पेंट, पेंट कैसे स्टार्ट होता है वो देख लीजिए। तो क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, उसकी स्टार्ट बटन का आइकन आपके जो बुक है बुक की पेज नंबर 54 पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का एक आइकन आपको दिखाई देगा ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन, एंड ये जो स्क्रीन होती है उसकी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा बटन दिखाई देगा जो कि स्टार्ट बटन होगा, उसको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई काफ़ी बड़ी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। चूज ऑल फ्रॉम ऑल प्रोग्राम एंड सिलेक्ट एक्सेसरीज, अब उसमें आपको ढूंढना है सबसे नीचे ही लिस्ट में कहीं लिखा होगा ऑल प्रोग्राम, आप जैसे ही ऑल प्रोग्राम को सेट करेंगे एक और दूसरी लिस्ट खोल करके आ जाएगी। अब उसमें से आपको एक्सेसरीज एक ऑप्शन दिया गया होगा छठवें नंबर पर, तो आपको उसको चूज कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक छोटी सी लिस्ट खुलकर आ जाएगी, उसमें आपको पेंट का ही दिखा होगा तो सिलेक्ट द पेंट ऑप्शन फ्रॉम दैट लिस्ट, तो आपको उस लिस्ट में से पेंट को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंट पर क्लिक करेंगे आपका पेंट विंडो ओपन हो जाएगा, वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से पेंट विंडो दिखाई देगी जो कि पेज नंबर 54 पर आपको दूसरी जो फोटो दी गई है वो उस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, पार्ट ऑफ द पेंट विंडो, अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो द पेंट विंडो इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन पार्ट, तो फर्स्ट है, अब यहाँ पर कई सारे पार्ट्स में हमारा जो पेंट विंडो है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर पहला है टाइटल बार, टाइटल बार का काम क्या होता है, द ब्लू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इज नोन एज द टाइटल बार, यानी हमारे स्क्रीन में
हमारी जो स्क्रीन है कंप्यूटर स्क्रीन में जो सबसे ऊपर एक नीली कलर की पट्टी दिखाई देती है उसको टाइटल बार कहते हैं। डिस्प्ले द प्रोग्राम नेम एंड द फाइल नेम, यानी कि ये इस पट्टी का काम क्या होता है, ये डिस्प्ले करती है कि आप कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है और उसमें कौन सी फाइल ओपन है इस वक्त। अगर कोई फाइल ओपन नहीं होगी तो वहाँ पर अनटाइटल्ड फाइल लिख करके आ जाएगा, यानी कि अभी तक उस फाइल को सेव नहीं किया गया है। जब वो सेव हो जाएगी किसी नाम से तो उसका नेम वहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल क्या पड़ा है, क्लास सेकंड और सब्जेक्ट में कंप्यूटर, ठीक है। तो नाउ इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑब्जर्व द बटन एट द टॉप राइट ऑफ द टाइटल। अब टाइटल बार की जस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको देखना है, वहां पर आपको कुछ बटन दिए गए हैं। यू कैन यूज दिस बटन टू मिनिमाइज, ओके सॉरी वेट अ मिनट, टॉप राइट साइड नॉट द लेफ्ट, ओके दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, सॉरी। सो एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार देयर आर थ्री बटन्स, ओके। सो द फर्स्ट इज मिनिमाइज, द सेकंड वन इज मैक्सिमाइज एंड थर्ड इज क्लोज, यानी पहला बटन होगा वो आपका मिनिमाइज का होगा, इसके बाद मैक्सिमाइज का होगा यानी कि विंडो को छोटा करना, उसको बड़ा करना, या फिर अगर आपका जैसे पेंट आप कर चुके हैं अब आपको लग रहा है कि मेरा पेंट कंप्लीट हो गया मुझे अब इस पेंट नहीं चलाना, तो अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे लास्ट में कॉर्नर में एक क्रॉस का बटन होगा जिसको क्लोज बटन बोलते हैं। तो आप जैसे क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। दिस बटन दीज बटन्स आर नोन एज कंट्रोल बटन, इन्हीं बटन्स को कंट्रोल बटन कहते हैं। Now quick access toolbar, अब quick access toolbar क्या है? तो it contains the button to do command, common task, यानी कि जो आपका quick access toolbar होता है, उसमें कुछ ऐसे common task होते हैं, जिनको आपको करने के लिए, जैसे मान लो आपको अगर shape ढूंढना है या और भी कोई चीजें आपको ढूंढना है, तो आपको quick access toolbar में या आप जैसे आपको सेव करना है या प्रिंट करना है या अगर आप उस पेंटिंग को आप बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप पेंटिंग उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही कोई पेंटिंग बना रखी है आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन भी कर सकते हैं अपनी फाइल जो आपको पहले से ही सेव है, या अगर आपको किसी कोई नई फाइल बनाना है तो आप न्यू पर सेलेक्ट करके आप नई फाइल बना सकते हो। कई सारे आपको कॉमन टास्क वहाँ पर आपको मिल जाएंगे किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। इसके बाद दिया गया पेंट बटन, तो पेंट बटन क्या है, कंटेन डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन पेंट। अब पेंट बटन का काम क्या है, पेंट बटन का काम है यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके जरिए आप अपना पेंट पर पेंट सॉफ्टवेयर आप ओपन किया है उस पर काम कर पाएंगे। रिबिन, रिबिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट टैब सेकेंड इज ब्रो। तो यहाँ पर रिबिन में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक टैब और दूसरा है रिबिन, ठीक है। टैब का काम क्या होता है, टैब में आपको कई सारे और एक्सटर्नल फीचर्स मिल जाते हैं और रिबिन्स में वो फीचर्स शो होते हैं। जैसे अगर आपने होम टैब ओपन कर रखा है तो होम टैब में जितने फीचर होंगे वो रिबिन में शो होंगे। इसके बाद अगला टैब कौन सा, व्यू टैब। तो व्यू टैब आप जब क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी फीचर्स होंगे वो आपके रिबिन्स में रिबिन में शो करेंगे, ओके। नाउ आफ्टर दैट टैब, अब टैब क्या है, ईच टैब कंटेन टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के टूल्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपका आपको पेंट बनाने। सपोज आप कोई भी चीज़ बनानी है तो आप उस ग्रुप्स में जाइए और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के आपको टूल्स मिलेंगे, आप उन चीज़ों को यूज करके अपने पेंट को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और ग्रुप का क्या है, तो ग्रुप में सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स, तो अब उनको जो ग्रुप है, जैसे मान लो सपोज आपको कलर चाहिए तो आप किसमें जाओगे, कलर ग्रुप में जाओगे। अगर आपको क्या यूज करना है, अगर आपको शेप यूज करना है तो आप शेप ग्रुप में जाओगे। अगर आपको टूल्स यूज करना है, जैसे आपको अगर पेंटिंग करनी है या कोई सपोज मिस्टेक हो गई, जैसे सपोज इंट्रोडक्शन की फिल्म आई बाय चांस अगर गलत है तो आप आई को रेस कर सकते हैं उसी के जरिए, तो ये सारे काम भी आप उस ग्रुप में जा करके कर सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पर तीन टूल्स दिए गए हैं, पहला है आपका सॉरी फोर टूल्स हैं, पहला है इमेज टूल सॉरी इमेज ग्रुप, फिर है दूसरा टूल ग्रुप, फिर तीसरा शेप ग्रुप एंड आफ्टर दैट कलर ग्रुप। तो इन सारे ग्रुप्स में जाकर के आप ये सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। Now drawing area, what is the drawing area? The drawing area covers the major part of the paint window.
ड्राइंग एरिया क्या होता है, ड्राइंग एरिया वो वाइट कलर का एरिया होता है जिसमें आप ड्राइंग करते हैं। जैसे आपका पेज होता है, आपके जो ड्राइंग कॉपी होती है उसमें पेज होता है वाइट कलर का, पूरा वाइट होता है, उसमें कहीं कोई लाइनिंग नहीं होती, कहीं कुछ मेंशन नहीं होता, फुल्ली वाइट होता है। उसमें आप अपना पूरा फुल पेज चाहे कैसे भी कहीं पर भी आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी आप अपनी ड्राइंग स्टार्ट करिए। तो वही ड्राइंग एरिया जो है इस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में भी होता है वाइट पोर्शन, जितना भी वाइट पोर्शन होता है वो आपका ड्राइंग एरिया कहलाता है। दिस एरिया इज यूज फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग, इस एरिया का काम होता है ताकि आप इस पर रंग बिरंगे चित्र बना सकें, कलर्स आप कलर कई सारे कलर्स का यूज करके आप अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकें, इसीलिए इसका काम यही काम होता है इसका। सो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है और फिफ्थ लेसन की एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाफ ईयरली सिलेबस का जो मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है कि लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, इसके अलावा मैंने कुछ आपको लगभग 6 और 6 to 7 आपको शॉर्टकट कीज दी थी, वो भी आपको याद करनी है ताकि आप, हो सकता है सर उनमें भी कुछ आ सकता है, तो इसलिए आपको उन 7 कीज में भी आपको याद करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में मैं चैनल, और हाँ जाते जाते मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्रदर्शन में कोई आपके लिए वीडियो डाली है। तो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, स्टेटमेंट विल बी इन माई चैनल, गुड बाय स्टूडेंट्स।